अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के शामी कबाब, जिसके लिए मैंने यहाँ चने की दाल ले लिया, उसे वॉश कर लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्ची, 7 से 8 लहसुन के जवे, थोड़े से अदरक, 2 तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची, पेपरकॉर्न, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग और थोड़ा सा ज़ीरा और नमक। सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, पानी थोड़ा डालना है सिर्फ दाल को गलाने के लिए। और चलिए अब इसे गलाने के लिए गैस पे रखते हैं। ये दाल अच्छे से गल गई है और जो थोड़ा पानी था उसे मैंने अच्छे से सुखा लिया है। अब इसे ठंडा करके इसका पेस्ट बनाना है हमें। यहाँ पालक बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया, इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया था और अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। पालक को हमें बॉईल नहीं करना है, सिर्फ इसे ब्लांच करना है। पालक को वॉश कर लिया था मैंने, अब इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी में। अब मैं ये पालक को गर्म पानी से निकाल के इस बर्फ़ के पानी में डाल रही हूँ। ये पालक के पानी अच्छे से हमें स्क्वीज़ कर लेना है और इसकी प्यूरी बनानी है हमें, तो पानी बिल्कुल अच्छे से निकाल लें दबा के हाथ से। एकदम ड्राई पेस्ट चाहिए हमें। ये बाकी इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्च और 1 लहसुन की कली डाल रही हूँ। अगर आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च डाल लें, थोड़ा सा हरा धनिया और इसका हमें अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है बिना पानी से। ये चने की दाल मैंने पीस लिया है और ये पालक को भी मैंने पीस लिया है। मैंने 1/4 स्पून गरम मसाला और 1/2 स्पून मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है, 1/2 स्पून मैंने ऑयल ले लिया है इसमें, और ये मैं चने का दाल इसमें डाल रही हूँ, जो कि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाए। और इसे अच्छे से इसमें ये पालक की प्यूरी में डाल रही हूँ, जिसका अच्छे से हमने पेस्ट बना लिया था, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ठंडा हो गया है, अब इसके कबाब बनाते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही प्लेन बनाकर इसे कबाब खा सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा पनीर की स्टफिंग डाल रही हूँ इस तरीके से, और इसे हमें अच्छे से कवर कर लेना है। इस तरीके से हमें सारे कबाब्स बनाने हैं। ये सारे कबाब्स मैंने बना दिए हैं, अब इसे फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया और उसमें मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसे इसमें डालेंगे, सिर्फ मैंने 1 स्पून डाला है, इसे शैलो फ्राई करना है। अब इसे पलटना है। ये देखिए इतना अच्छा कलर आ गया है। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही कलर देना है और सारे कबाब को पलट लेना है। ये अच्छे से हो गया दोनों साइड से ब्राउन। अब चलिए इसे प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये पालक के शामी कबाब रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।